जय श्री राम। हमारा भारत देश आध्यात्मिक देश, इसमें राजनीतियाँ शुरू से चली आ रही हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से राजनीति का जन्म हुआ है, लेकिन ये दोहरी राजनीति हर किसी के समझने की बस की बात नहीं। क्यों? राजनीति वही समझ सकता है जो राजनीति कर चुका है। लोग घर में राजनीति करते हैं, ऑफिस में राजनीति करते, यहाँ तक कि स्कूल में भी लोग राजनीति करते हैं। तो ये राजनीति का दौर अब आजकल लोगों का फैशन बन चुका है। क्यों? कि लोग हर समय राजनीति करते हैं। आदमी बीवी के साथ राजनीति करता है, बीवी आदमी के साथ राजनीति करता है। तो ये राजनीति का जन्म कैसे हुआ? रामायण काल उठाकर देख लो आप। रामायण काल में श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करने के लिए सेतु समुद्र के पार पहुंचे, तब उन्हें ना कोई विकल्प दिखाई दिया ना ही कोई रास्ता। अब 500 योजन दूर समुद्र था, अब उसकी लांघने की सीमा, या आप बोल दो आजकल जो कैपेसिटी है, वो सिर्फ थी तो श्री हनुमान जी में थी। वो अपार समुद्र को न जाने कितनी बार लांघ सकते थे, इतनी हिम्मत उनमें कैपेसिटी थी। वरन दूसरे किसी में वो हिम्मत नहीं थी कि उस सेतु समुद्र को लांग सके। फिर साहब चलो ये हुआ कि जैसे तैसे सेतु समुद्र बन गया और समुद्र निर्माण हो गया, और फिर उनको एक सीक्रेट, रावण का जो मेन, जो आप बोलते हो रावण का सेनापति या रावण का कुछ गुप्त विधियाँ जानने वाला, श्री रामचंद्र भगवान को नहीं मिला। क्यों? हनुमान जी तो सिर्फ लंका जला के और रावण की बस इतनी ही बता सकते हैं कहाँ क्या है, शस्त्रागार है, क्या है क्या नहीं। जो गूढ़ रहस्य है रावण के, वो रावण के भाइयों के अलावा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि मंदोदरी भी इस रहस्य को नहीं जानती थी जितना कि उनके दोनों भ्राता जानते थे। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि इन दोनों भाइयों में सबसे मेरा प्रिय भक्त कौन है, तो उनको विभीषण लगा। यहाँ तक कि विभीषण एक माइंड से वैसे कमज़ोर था, तो रावण की प्रताड़ना सुनते सुनते वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा कि मैं रावण से बहुत कमज़ोर हूँ। कुछ कह दो तो भाई भाई में शत्रुता सृष्टि के अंत से पहले और सृष्टि के बाद तक मतलब बनी हुई है। आज भी वही युद्ध है, पहले भी वही युद्ध था। रावण को जब विभीषण और श्री राम और अपना कुंभकर्ण, जब श्री राम जी ने सोचा कि इसका गूढ़ रहस्य कौन बताएगा, तो उसका गूढ़ रहस्य सिर्फ या तो विभीषण जानता है या कुंभकर्ण जानता है। जब कुंभकर्ण से कहा गया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय दान दूंगा और तुम्हें तीनों लोगों का राज्य दूंगा, तो रावण के भाई ने यही कहा कुंभकर्ण ने कि मर जाऊंगा लेकिन भाई से मुक्त। विभीषण जी थोड़े भोले थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के साथ मिले, मित्रता बढ़ाई। जो कहते हैं ना, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो वो रावण को प्रताड़ना के बाद अपना शत्रु समझने लगा, और रावण के बाद रावण श्री रामचंद्र जी को शत्रु समझता था और श्री रामचंद्र जी रावण को शत्रु समझते थे। तो शत्रु शत्रु मित्र होते हैं, उसी उद्देश्य से विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे गुप्त विद्याएं, गुप्त रहस्य श्री रामचंद्र जी को बताया जो कि श्री रामचंद्र जी भी नहीं जानते थे। विभीषण ने कहा नाभि में अग्न्यास्त्र का प्रयोग करो प्रभु, कि ये रावण का अंत होगा। अंत हुआ। जय श्री राम। ये राजनीति ऐसे चलते। जय श्री राम।